नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन की आंसर की लेके। देर आए दुरुस्त आए, सब आंसर को अच्छे से टैली करने के बाद आए इस आंसर की के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेरे पास जो सेट है वो है 70.075:1:4। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, गोल ओरिएंटेड भी है, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन भी है, मेकिंग स्ट्रेटजी भी है, ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट कब खरीदे जाते हैं दोस्तों? स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं प्री इवेंट में, ध्यान रखे चलेंगे। प्री इवेंट, इवेंट होने से पहले खरीदे जाते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ टूर्नामेंट सेव्स टाइम। सबसे अच्छा टाइम सेवर है हमारे पास नॉकआउट, सबसे बढ़िया, जो हारा भार टाइम सेविंग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट विटामिन। दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, जेनुवेगम इज ऑल्सो नोन एज नॉकनी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू टेस्ट बोथ ANC, दैट इज आपकी एक्सप्लोसिव स्पीड और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ दोनों के लिए होती है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ध्यान रखे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ह्यूमन एंड अफेक्ट प्रोड्यूस बाय दीज फोर्सेज इज नोन एज बायोमैकेनिक्स, ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9 किलो कैलरी, 9 जूल, आपको बताया था मैंने। बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर से जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था उसी में से है, ऑलमोस्ट 30-40% सैम्पल पेपर एज इट इज उसी में से कॉपी पेस्ट करा गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका फायदा हुआ होगा, अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट में जाके जरूर बताइएगा फायदा हुआ या नहीं हुआ याद से। क्वेश्चन नंबर 9, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद स्मॉल मसल एक्टिविटीज, मैंने बताया था छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल मसल एक्टिविटीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा टेस्ट इलुस्ट्रेट करा गया है, इसका नाम है दोस्तों पार्शियल कर्ल अप, ध्यान रखे चलेंगे पार्शियल कर्ल अप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज नोन एज, इसका नाम दोस्तों एबडक्शन, बिल्कुल सही आंसर है एबडक्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारे पास, हु विल प्ले विद होम When and where is decided by fixture. Fixture के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कौन किसे खेलेगा कब खेलेगा। तो 12 का आंसर दोस्तों बी पार्ट है। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नेम विटामिन सी का दोस्तों है हमारी एरोबिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद चिल्ड्रन एंड यूथ की जो एज ग्रुप आपको दे रखा है वो है 5-25 ईयर्स। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, हॉवर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की हाइट कितनी है वुमेन के लिए? 16 इंचेस है दोस्तों, 16 इंचेस, ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने, ड्यूरिंग द एडक्शन मूवमेंट आर्म्स मूव टूवर्ड्स द बॉडी, एडक्शन मूवमेंट में आर्म्स टूवर्ड्स द बॉडी आती है, ध्यान रखे चलेंगे। 16 का ए पार्ट है। 17 का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, लीग टूर्नामेंट में फॉर्मूला n(n-1/2), दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन इज नीडेड फॉर टीथ बोन्स, इन सब के लिए जो विटामिन चाहिए होता है दोस्तों उसका नाम है विटामिन डी, ध्यान रखे चलेंगे। विटामिन डी हमारा आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, पेस्प्लोनस इज ऑल्सो नोन एज फ्लैट फुट, 19 का फ्लैट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल टेस्ट इज 30 सेकंड, ए पार्ट 30 सेकंड। अगला, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट, इट इज रिलेटेड विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी। फॉलोइंग आर फूड मिथ एक्सेप्ट, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, दोस्तों ये मिथ नहीं है ये सच्चाई है, मिल्क सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर सी मिथ नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडियन वुमेन इन टोक्यो ओलंपिक्स, आंसर आएगा 3। अगला सवाल, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सब लोग जानते हैं, सबका सही होगा मुझे पूरा विश्वास है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन बी पे आ गए हम लोग, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ मेनी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट इन कॉम्पिटिशन मीन्स, प्लानिंग में हाउ टू प्ले गेम्स का मतलब होता है कंपराइजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे खेलना है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन होती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग में दोस्तों हमारे सामने आंसर है 26 का, ए पार्ट बिल्कुल करेक्टली मैच है, ए पार्ट आंसर है। 27 का डी पार्ट करेक्टली मैच है, डी पार्ट, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन 28 के अंदर, कैचिंग अ बॉल इन अ क्रिएटिव एग्जाम्पल है किसका? फाइन मोटर स्किल का, कैच करना फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, 29 में दोस्तों हमारे पास ए वाला पार्ट करेक्ट है, ए वाले पार्ट को करेक्टली मैच करा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आ गया, इसमें आपके सामने लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप कौन से न्यूटन के मोशन का एग्जाम्पल है दोस्तों? यह है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है,
कि जितने भी ज़्यादा फोर्स के साथ आप ग्राउंड को हिट करेंगे आप उतना ज़्यादा ऊपर जाएंगे और जंप कर सकते हैं पोल को करना चाहें तो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो आंसर आएगा अ सिंगल परफॉर्मेंस टू शो एक्सीलेंस, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ध्यान रखे चलेंगे। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आ गया 32, मैच द फॉलोइंग दोबारा से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्टली मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 33, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बोलेक्स, इनमें से बोलेक का कौन सा कॉज नहीं है बेसिकली? डेट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसका कॉज नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से वाला टेस्ट था जिसके अंदर मिडल फिंगर्स की टिप्स को मेजर करा जाता है? उसका नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा मूवमेंट शो करा गया है? इसका नाम है दोस्तों फ्लेक्शन। इसका अपोजिट भी एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने लास्ट में, उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। ये हमारा फिलहाल फ्लेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है फ्लेक्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, इन अ नॉकआउट फिक्सचर थर्ड बाय विल बी गिवन टू, थर्ड बाय किसको मिलती है दोस्तों? फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, ध्यान रखे चलेंगे। अगला असर्शन रीजन में आपसे पूछा गया है, रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल एंड अदर प्लांट्स हैव सर्टेन साइटोकेमिकल इन दैम। उसके बाद रीजन में नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन लिंक नहीं कर रहे हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी पार्ट सही है हमारा। अगला मैच द फॉलोइंग है हमारे पास दोबारा से, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी वाले में बिल्कुल करेक्टली मैच करा गया, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आ गया हमारे सामने, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू डिपेक्टेड दिस टेस्ट, कौन से टेस्ट है? इसको कहते हैं एरोबिक एंड्योरेंस के थ्रू होता है, एरोबिक एंड्योरेंस है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन्स विच लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट इन और इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अगला, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आपकी 13 टीम्स है तो बाय मिलेगी कितनों को? बाय मिलेगी 3 को। अगर मैं 3 को बाय ले देता हूँ तो बाय वाली टीम्स हमारी सेकंड राउंड में खेलेगी, तो फर्स्ट राउंड में खेलने के लिए टीम्स आएगी 13 में से 3 माइनस करने के बाद 10, 10 टीम्स है जो खेलेगी, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि एक मैच दो टीम के बीच में होता है, तो 10 / 2 डेट इज 5, तो आंसर आएगा 5। अगला सवाल हमारे सामने दोस्तों, नॉन न्यूट्रिव कंपोनेंट पूछा गया है, तो पल्सेस इसमें नॉन न्यूट्रिव कंपोनेंट नहीं है, तो ये आप ध्यान रखे चलेंगे, पल्सेस हमारी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है और काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ से पूछा गया है कि जो पोस्टल डिफॉर्मिटी है कौन से वाली है, ये दोस्तों शोल्डर से रिलेटेड है, इसको कहते हैं राउंड शोल्डर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आ गया दोस्तों हमारे साथ, इनमें से ओड कौन सा है? दोस्तों ओड हमारे पास है इनमें से ऑप्शन नंबर सी ओड है, ध्यान रखे, बाकी सारे क्लियर जोन्स के हैं, बाकी सी वाला ओड है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 45 आता है दोस्तों हमारे सामने, 45 आ गया, चलिए देखते हैं 45 क्या है। अगेन असर्शन रीजन दोस्तों हमारे सामने, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट डेवलप हुआ था 1986 में आर्टिफिशियल टीम के द्वारा, और ये हुआ था लंदन के अंदर ऐसा लिखा गया है, और ये टेस्ट होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए, रीज़न तो ठीक है, असर्शन ट्रू नहीं है। असर्शन में ये है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सिटी लंदन नहीं थी, कोई और थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मूवमेंट जो है दोस्तों इसको कहते हैं एक्सटेंशन, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन 47, विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स है किसका? कैल्शियम का। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट यूज टू मेजर दिस टेस्ट, दैट इज किस चीज के लिए होता है ये वाला? दोस्तों हमारे पास लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, ये पर्टिकुलर टेस्ट हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट रहेगा 49 का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने, 50 का आंसर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन इन सबके सम को क्या कहते हैं, एक डाइट जिसमें सब होता है उसको कहते हैं दोस्तों बैलेंस डाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि दिशा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलता है उसका सोशल रीजन है, सोशल रीजन का आंसर रहेगा। अगला, एजिलिटी मेजर करने के लिए कौन सा करा जाता है? 4 × 10 meters शटल रन एजिलिटी के लिए सबसे ज्यादा करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 53 में बताया गया है कि ग्रैंड फादर की लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराना पड़ेगा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा जो है वो फाइन मोटर स्किल नहीं है? फाइन मोटर स्किल दोस्तों राइडिंग अ बाइक फाइन मोटर स्किल में नहीं आता, ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंस बतानी है बायोमैकेनिक्स की क्या क्या है या कौन सी नहीं है बेसिकली, तो स्पोर्ट्स प्लानिंग में इसका कोई काम नहीं है, स्पोर्ट्स प्लानिंग में बायोमैकेनिक्स का कोई यूज नहीं है, ध्यान रखे चलेंगे। 56 वाला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन फॉर एक्शन, गोल ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन फॉर एक्शन,
अगला 57 में दोस्तों ये जो खाना सारा मेंशन करा गया है किस चीज के लिए है, ये दोस्तों प्रोटीन के सोर्सेज है, सारे के सारे ये मेंशन कर गया प्रोटीन के सोर्सेज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58, ये चक्रासन दिया गया है किस चीज के लिए करा जाता है, काइफोसिस के लिए, काइफोसिस के लिए करा जाता है चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पिक्चर है क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है दोस्तों एक्सटेंशन को, आई रिपीट ये पिक्चर शो कर रही है एक्सटेंशन को। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 60, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अपने सैम्पलिपर के अंदर कि एक बॉल को हम नीचे जितने फोर्स के साथ ग्राउंड के साथ हिट करेंगे ग्राउंड उसको उतने ही फोर्स के साथ वापस हिट करेगा, तो ये दोस्तों एग्जांपल होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं आपको सबको आंसर सारे के सारे पता चल गए होंगे, कोई कंफ्यूजन रहता है आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो और हमारे सैंपल से आपको बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को जल्द से जल्द, और सब तक पहुँचाइए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।